की नगरी काशी में भी छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। हम आपको बता दें कि वाराणसी के सभी 84 घाटों पर शाम होते होते ही भीड़ हो जाएगी। अभी से लोग ही घाटों पर आ गए हैं। छठी मैया यहां पे बनाई जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा बाकायदा बैरिकेडिंग की गई है कि लोग ज़्यादा पानी में ना जा पाएँ। आइए हम जानते हैं कि छठ कैसे मनाते हैं और क्या इसकी परंपरा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं पीयूष त्रिपाठी, वाराणसी बिहार का रहने वाला हूँ। और हम लोग काफ़ी समय से, विगत वर्षों से बनारस में हम लोग वो छठ का त्यौहार मनाते हैं। और ये हिंदू रिवाज से देखा जाए तो साल में नवंबर में दीपावली के बाद ही, ये दीपावली के कुछ दिनों बाद ये छठ का पर्व आता है। और हिंदू धर्म में इसको बहुत ही मान्यता से मनाया जाता है। और कहा गया है कि सूर्य की उपासना करती हैं हमारे घर की माँ महिलाएँ, जो हैं पुत्र की कामना के लिए, लंबी उम्र के लिए, या पुत्र नहीं है उनकी पुत्र की इच्छा के लिए ये व्रत का महिलाएं घर की रखती हैं। और बड़े ही मने श्रद्धापूर्वक सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। 4 दिन का ये त्यौहार महिलाएं जो हैं 2 दिन पहले तो शाम को खाती हैं और बाकी का 2 दिन जो है निर्जला उपवास रहती हैं 24 घंटा। एक तरह से कहें तो बहुत बड़ी तपस्या है सूर्य भगवान के लिए और महिलाओं के लिए बहुत कठिन व्रत ये, जिसमें कि एक दिन, आज का दिन जो है ये हम लोग दोपहर 2 बजे से शाम को तक पूरा सूर्यास्त तक हम लोग यहाँ आराधना महिलाएं करेंगी भगवान सूर्य का। और सूर्यास्त का जो है कि अर्घ देकर जाएंगी घर और फिर अथवा भोर में अगली सुबह आते हैं और सूर्योदय तक का इंतजार करते हैं। और गंगा किनारे या नदी किनारे जो भी है हम लोग टेंट का समूह डाल के और पंडाल डाल के और सूर्य भगवान का सूर्योदय तक का इंतजार करते हैं। और सूर्योदय के बाद जो अर्घ देते हैं उसके बाद जो महिलाएं व्रत तोड़ती हैं, ये कहें तो 24 घंटे का निर्जला उपवास करना बहुत ही कठिन बात है कि पुत्र के लिए ये व्रत रखा जाता है। और ये बात भी हम कहेंगे कि बिहार के रास्ते बनारस होते हुए ये व्रत आज दिल्ली तक पहुँच चुका है। वाराणसी से आशुतोष उपाध्याय, ETV।